स्वागत है दोस्तों। मुगलों का इतिहास लूट, हत्या, अय्याशी, सगे बाप और भाइयों का कत्ल, सगी माँ बहन बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की घटनाओं से भरा पड़ा है। अगर कहा जाए कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा खानदान जहाँ किसी के भी असली बाप के सच का पता ना हो, तो एक ही नाम आएगा, मुगल खानदान। अफीम के नशे में डूबे रहने वाले हुमायूं हो या अपनी सगी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने वाला शाहजहां या अपनी बहन से संबंध बनाने वाला अकबर, मुगल खानदान का असली सच बहुत भयानक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुगल खानदान के एक ऐसे घिनौने इतिहास के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए ना जाने कितनी मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का भी नाम है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हो गई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशीय हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर और उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अय्याशी करना। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उनकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूंस दिया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती थी, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते थे और कामी अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते। अकबर उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देते थे। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते थे, तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था, क्योंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ चार से अधिक औरतें नहीं रख सकता, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थाई शादियों की इजाज़त है। ऐसी शादियों को अरबी में मुतअ कहा जाता है। अबुल फजल ने अकबर के हरम को कुछ इस तरह वर्णित किया है, अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थी। इंसा के महल के पास ही एक शराब खाना बनाया गया था। वहाँ इतनी वेश्याएँ इकट्ठी हो गई कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो गई। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उनसे सबसे पहले भोग किसने किया। बैरम खां, जो अकबर के पिता जैसा और संरक्षक था, उसकी हत्या करके इसने उसकी पत्नी अर्थात अपनी माता के समान स्त्री से शादी की। इस्लामिक शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने से बचाने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती थी, जिसे जजिया कहा जाता था। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में एक जगह भी उल्लेख नहीं है। केवल इतना ही है कि यह जजिया रणथंभौर के लिए माफ़ करने की शर्त रखी गई थी। रणथंभौर की संधि में बूंदी के सरदार और शाही हरम में औरतें भोजन की रीति से मुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवारों की सर्वाधिक सुंदर महिलाओं को मांग लेने की एक परिपाटी बना रखी थी, और केवल बूंदी ही इस क्रूर रीति से बच पाया था। यही कारण था
कि इन मुस्लिम सुल्तानों के काल में हिंदू स्त्रियों के जौहर की आग में जलने की हजारों घटनाएं हुई। जहांगीर की अय्याशी। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को अकबर की मौत के 8वें रोज बाद उसका बड़ा बेटा मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर आगरा के तख्त पर बैठा। जहांगीर मुगल वंश का चौथा बादशाह था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को राजा भारमल की बेटी मरियम जमामी के गर्भ से पैदा हुआ जहांगीर का एक अय्याश और आवारा किस्म का शराबी शहजादा था। अकबर का बेटा सलीम अय्याशी में अपने बाप का भी बाप साबित हुआ। उसकी रुचि महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही थी। इसकी पहचान अकबर को तभी हो गई थी जब वो काबुल विजय की मुहिम में 13 साल के सलीम को अपने साथ ले गया था। रास्ते में जब अकबर का काफिला रुका तो एक बार शहजादा सलीम अकबर के हरम में, जो कि काफिले के साथ ही चल रहा था, में घुस गया और जहां उसने एक बला की खूबसूरत हसीना को देखा जिसका नाम अनारकली था। पहली ही नज़र में सलीम अनारकली पर अपना दिल हार बैठा। जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने सलीम को हरम से बाहर खींचकर सबके सामने बुरी तरह जलील किया, लेकिन इससे सलीम पर कोई खासा असर नहीं पड़ा। शाहजहां की अय्याशी। इतिहासकार वी स्मिथ ने लिखा है, शाहजहां के हरम में 8000 रखैले थी जो उसे उसके पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने बाप की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छांट की और बुढ़ियाओं को भगाकर वी स्मिथ की पुस्तक अकबर दी ग्रेट मुगल में पृष्ठ संख्या 359 पे वो ये कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहाँ इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रथम श्रेय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। यह नर पशु यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था। यहाँ तक कि अपने महल में भी यह बाजार लगाया था। सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने इस विषय में टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहाँ अगवा कर लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था, राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। वी स्मिथ द्वारा पुनः लिखित टेरविल्स इन द मुगल एम्पायर 1934 में शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है, और किया भी क्यों न जाए। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और, जिस शाहजहां और मुमताज का प्यार इतनी डींगे हाँकी जाती है, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी और ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी बीवी थी। इसका मतलब है शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। यहाँ तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली, जिसे उसने रखैल बनाकर रखा था, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को 1 बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की। शाहजहां की 7ों बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली पत्नी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका पति शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या करके मुमताज से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था
कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी, इसीलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी यादों में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहां आरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसका निकाह तक होने ना दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस बाप को जायज़ ठहराने के लिए एक हदीस का उद्धरण दिया और कहा कि माली को अपने द्वारा लगाए गए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहां आरा के किसी भी आशिक को वह उसके पास भटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार जहां आरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वह हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया ख़ानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम यह होता था कि मुग़ल ख़ानदान की लड़कियां अपने जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ साथ रिश्तेदार, यहां तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। कहा जाता है कि जहां आरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। जहां आरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिष की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहां आरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने अपनी उम्र के 58वें वर्ष में 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। शाहजहां की मृत्यु आगरे के किले में ही 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में हो गई। द हिस्ट्री चैनल के अनुसार अत्यधिक कामोत्तेजक दवाएं खा लेने के बाद उसकी मौत हुई थी, यानी जिंदगी के आखिरी वक्त तक वो अय्याशी ही करता रहा था। आप अब खुद ही सोचे कि क्यों ऐसे बदचलन और चरित्रहीन इंसान को प्यार की निशानी समझकर महान बताया जाता है। समलैंगिक अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाला अलाउद्दीन बाइसेक्सुअल था। इतिहास में जाएं तो अलाउद्दीन की लव लाइफ में उनके करीबी मलिक काफूर के नाम का जिक्र है। मलिक काफूर से उसके बेहद नितांत और नज़दीकी संबंध थे। उसके हरम में कई पुरुष थे। इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उसके हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। ये वही समय था जब बच्चाबाजी का चलन चरम पर था। औरतों के सार्वजनिक नाच पर रोक थी, जिसके चलते नौजवान लड़कों को औरतों के लिबास पहनाकर नचाया जाता था। जब खिलजी कमज़ोर पड़ने लगा तो उसके कमांडर मलिक काफूर ने ही उसकी सत्ता हत्याने के लालच में उसे मार डाला। उसने खिलजी को नज़रबंद कर धीमा जहर देना शुरू किया। उस जहर से उसको तमाम बीमारियों ने घेर लिया था, जिसमें से एक बीमारी थी जलोदर, और वही 6 जनवरी को उसकी मौत का कारण बनी। ये किसी भी प्रकार से सामान्य मौत नहीं, बल्कि सीधे सीधे हत्या ही कही जाएगी, जो उसके ही समलिंगी साथी के हाथों अंजाम दी गई थी। उसकी हत्या के बाद उसके बेटों को भी अंधा कर दिया। कपूर ने उसकी सभी बेगमों को अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन मलिक कपूर का ये पागलपन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और खिलजी के बेटे मुबारक ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उसकी गर्दन काट दी। तो मुग़लों का ये इतिहास आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।